अगर संकल्प एक नहीं होंगे चारों ब्रह्मा के, जो पांच ब्रह्मा है, पांचों ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार और संकल्प एक नहीं बनेंगे तो विष्णु कैसे बनेगा? ब्रह्मा सो विष्णु, सिर्फ एक ही ब्रह्मा बनता है या जितने भी ब्रह्मा के मुख हैं सभी ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं? सभी बनते हैं। जो विष्णु की चार भुजाएं दिखाई गई हैं, वो भुजा माने आत्मा की यादगार या स्थूल भुजा की बात है? भुजा माने मददगार, तो मददगार आत्मा बनती है या स्थूल भुजा मददगार है? आत्मा की यादगार है। चार आत्माएं हैं जो भुजा के रूप में पार्ट बजाती हैं। कोई दाई ओर की भुजाएं हैं राइटियस काम करने वाली, कोई लेफ्ट साइड की भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं। और निकृति माने निष्कृष्ट काम करने वाला। देवता तो है लेकिन थोड़ा निष्कृष्ट है। एक होता है श्रेष्ठ और उसके मुकाबले विपरीत होता है निष्कृष्ट। एक होता है ऊंच और एक होता है नीच। तो देवताओं में भी नंबर बार हैं, सब एक जैसे हैं, नंबर बार हैं। तो आठ देवताओं में भी नंबर बार हैं। बाबा ये कल मद्रास में केवल जोड़ा दिखला माँ भगवान के नाम से है। मद्रास में एक माँ भगवान के नाम से ईगल जोड़ा है, पूरा पवित्र है, उनकी महिमा ज्यादा हो रही है। उनके वाइब्रेशन से भी ऐसे पावले जैसे लकड़ी के और बना है, वाइब्रेशन से वो चलते है ऐसे हाथ रखे थे। वो क्या है? ये तो आपने देखा क्या है? ये तो कलयुगी दुनिया है। कलयुग की दुनिया में सब पतित होते हैं कि कोई पवित्र भी होता है? है? पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। हाँ ये जरूर है कि नई नई आत्मा जो उतरती है तो पहले पहले पवित्र पार्ट बजाती है, लेकिन संग के रंग में आकर वो भी पतित बन जाती है। ऐसे ही कोई आत्मा आई होगी जो पार्ट बजाए रही है। और बाबा ने कहा कि जो संत होते हैं, जो बड़े संत हैं, वो मेरी बेगनी है, मैं आगे तक के वो जैसे घर गिरने जाता है तो वो बेगनी लगा के रहते हैं, ऐसे बाबा ने एक मुरली। ये क्या है? आधार मैं जब तक आता नहीं, मैं आते तक के वो आधार और मैं उनको द्वापर से भेजता हूँ, द्वापर से पहले नहीं है, रिपेयरिंग करके रहते हैं। धर्म पिता है जो धर्म पिताएं आते हैं वो तो इस सृष्टि की रिपेयरिंग करते हैं टाइम टू टाइम, नई दुनिया नहीं बनाते। नहीं वो कोई सत्यु बुलाते हैं क्या? संत हो, महात्मा हो, धर्म पिताएं हो, कोई भी हो, वो सब मनुष्य आत्माएं हैं और मनुष्य आत्माएं जरूर विकारी बनती हैं। जो विकारी है उनकी बुद्धि भी विकारी, विकारी विकारी ही बनाएगा। जब विकारी बनाते हैं तो विकृत दुनिया होती है, विकृत दुनिया होती है तो दुखदाई हो जाती है। एक शिव बाप ही है जिसमें विकृति का नाम निशान नहीं, जो एवर प्योर है,
क्योंकि जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, उसको अपना रथ ही नहीं है। जो स्वार्थ हो और चाहे इस दुनिया के देवताएं हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, सबको अपना रथ है। तो स्वार्थी होंगे या निस्वार्थी होंगे? सब स्वार्थी। हाँ। बोलते हैं कि सोने का माल रहेगा, पर अपन बच्चे पूछते हैं एडवांस में कि जार है, इसके माल रहेंगे, फूलों की रहेगी। अपने घर में बच्चे बोलते हम अभी 2000 की बात नहीं जानते, तो हम 5000 के कैसे जानेंगे, कैसे हम साबित करेंगे? वहाँ माल होगा जब अभ्यस्त रहेंगे, कोई स्थिति रहेंगे तो वहाँ माल कैसे होगा? महल कहो किला कहो, बात तो एक ही है कि अलग अलग बात है। किला होता है संगठन का। तो जो श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन तैयार होता है वो ही नई दुनिया का किला है, वो ही नई दुनिया का संगठन रूपी महल है। और सोना सच्चाई को कहा जाता है। सोने के महल में कोई रहता नहीं है, मेटल के महल में रहा भी नहीं जा सकता। एक मुहावरा है सोने के महल, ये एक मुहावरा है। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, ये मनुष्य आत्माओं की ही यादगार है। मनुष्य ही कोई बकरी के स्वभाव संस्कार वाले और कोई शेर के स्वभाव संस्कार वाले, दोनों प्रकार की आत्माएं बाप की सभा में एक साथ बैठ करके ज्ञान जल पीती है। उसका यादगार शास्त्रों में लिखा हुआ है सोने के महल। बाकी कोई सोने के महल होते नहीं है। घी दूध की नदियां बहती नहीं है, ये सुख की बात है कि वहां दूध और घी की कमी नहीं होगी, और यहाँ तो घी दूध मिलता ही नहीं। मिलता है तो पानी वाला मिलता है। बाबा में जो नारायण दिखा के चार भुजा है, हाँ, तो दो ऊपर में दो नीचे में दिखाते हैं, चक्र शंखा है और कमल के। हाँ जी, सत्यु में माता जी बोल रही है। हाँ, एक मिनट, एक एक मिनट। हाँ, यादगार है, दो हाथ ऊपर और दो हाथ नीचे। हाँ जी, विष्णु के हाथों में चक्र और गदा, चार हाथों में चार आयुध दिखाए गए। ऊपर के दो हाथ हैं, उनमें दिखाया है शंख और चक्र, और नीचे के दो हाथ में गदा और पद्म। एक मुरली में बोला है शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता, सरस्वती जगदम्बा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्यों सहज हो जाता? क्योंकि असुर संहारिणी, असुरों का संहार करने वाली शक्तियां होती हैं, या शंकर जैसे देवता होते हैं, शक्तियां होती हैं। तो मम्मा को अगर चित्रित कर देते कमल की जगह, कमल नीचे की ओर दिखाया गया ना, तो सहज हो जाता समझाने में कि शक्तियां ऐसा पार्ट बजाती हैं। जगदम्बा सरस्वती ने शरीर छोड़ने के बाद जिसका नाम जगदम्बा पड़ा है,
वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा वाली आत्मा कोई माता में प्रवेश करके ऐसा पाठ बजाती है कि कीचड़ में रहती हुए भी कमल फूल के समान बुद्धि निर्लिप्त रहती है, ऐसा महाकाली का पाठ बजाती है। जैसे तुम बच्चे शंकर के पाठ को समझ न सको, शंकर को महाकाल कहा जाता है, तो उसके मुकाबले महाकाली, वो भी अड़भंगा पाठ वाली है, सबकी बुद्धि में वो पाठ भी क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं रचयिता का रहस्य जानना फिर भी सहज है, लेकिन रचयिता भगवान बाप की रचना के राज को समझना बहुत कठिन है। शास्त्रों में भी लिखा है विधि उन नार हृदय गति जानी। ब्रह्मा भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं जानता। तो जो कमल फूल के समान जीवन है वो वही पहचान सकते हैं जिन्होंने ऐसा पार्ट बजाने की प्रैक्टिस की हो और उसमें सफल भी हुए हो। तो जगदम्बा का प्रैक्टिकल पार्ट की यादगार है कमल फूल। विष्णु संपूर्ण रूप की यादगार है या सन 68 की यादगार है? संपूर्ण रूप की यादगार है। तो जगदम्बा जब ऐसा महाकाली का पार्ट बजाती है कि रहती कीचड़ में है और कीचड़ में रहते बुद्धि से उपराम रहती है, तो पार्ट की याद है, यादगार है कमल फूल। वो शंकर का यादगार नहीं है, वो तो हाथ में कमल फूल दिखाया गया है। शंकर वाली आत्मा वो चार भुजाओं में से एक ही भी भुजा का पार्ट नहीं बजाती। शंकर के नाम के साथ शिव जोड़ा जाता है और कोई देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो शंकर वाली आत्मा है चार भुजाओं को चलाने वाली और बाकी चार भुजाएं हैं चलने वाली। उनमें एक का पार्ट हुआ कमल फूल, किसका? जगदम्बा का। फिर जगदम्बा स्त्री चोला और उसके मुकाबले जट विरोधी पार्ट कौन सा है? जगदम्बा महाकाली का पार्ट बजाती है, तो उसके मुकाबले में जट विरोधी कोई महागौरी भी होगी ना, वो कौन? उसका यादगार आयुध कौन सा दिखाया गया? शंखनाद। शंखनाद वो ही कर सकता है, वाणी उसी की काम करेगी जिसका प्रैक्टिकल जीवन 100% पवित्र हो। अगर प्योरिटी नहीं तो ज्ञान का दूसरों के ऊपर असर भी नहीं होगा। कितने भी मेले मला खड़े होते रहे, कितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहे, कितने भी मेगा प्रोग्राम होते रहे, दुनिया वालों के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं। तो शंख किस बात की यादगार है? हैं? पवित्रता के आधार पर सारी दुनिया में शंखनाद करने की यादगार है। सारी दुनिया में संदेश फैल जाता है कि भगवान बाप आया हुआ है। वो किस आत्मा की यादगार है? नीचे का हाथ महाकाली की यादगार और ऊपर का हाथ महागौरी की यादगार। कौन है महागौरी? है? हाँ जी, छोटी माँ। और फिर
चक्र, जो चक्र है वो मनन चिंतन मंथन की यादगार है। बेसिक नॉलेज की दुनिया में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा कौन थी? मम्मा। ऐसे ही एडवांस की दुनिया में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा भी निकलती है। छोटी मम्मी प्रैक्टिकल में मनन चिंतन मंथन करके दिखाती है। एक होता है मन में सोचना, सोचने से ही काम सिद्ध हो जाता है, या जो सोचा है वो प्रैक्टिकल करने से सिद्ध होता है। तो प्रैक्टिकल करने वाली आत्मा है। अब शरीर जो है वो छोटी माँ का, और प्रवेश करने वाली आत्मा छोटी मम्मी, छोटी माँ माने ओम राधे सरस्वती। तो वो भुजा अलग हो गई। ऐसे ही गदा, तलवार में और गदे में क्या अंतर है? तलवार की धार तीखी होती है, और गदा, गदे में धार नहीं होती है, लेकिन हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। तो ऐसे ही गदा के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो ब्रह्मा का, ब्रह्मा की यादगार है। ये चार आयुध हैं जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं, और चारों को चलाने वाला पांचवी आत्मा जो ब्रह्मा कहा जाता है, पांचवा, उस ब्रह्मा की यादगार है जिसका सर काट दिया गया। कहते ब्रह्मा के पांच मुख थे, एक मुख काट दिया गया। जो काट दिया गया उसका देह भान अलग हो गया, आत्मा रह गई। वो आत्मा बाप समान, इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया गया। और चार भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। इसलिए अद्वैतवाणी में बोला भी है, ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक अनुदा हुआ है। भुजाएं ब्रह्मा के बगैर पाठ नहीं बजा सकती। हजार भुजा वाले ब्रह्मा का पाठ प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद की बात है या पहले की है? शरीर छोड़ने के बाद की। बाद की बात है। ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो जिस तन में भी प्रवेश करके वो आत्मा पाठ बजाती है चंद्रमा के रूप में। उसकी हजार सहयोगी भुजाएं एडवांस में काम करती हैं। वो प्रैक्टिकल में नई दुनिया की स्थापना करने के लिए काम कर रही है। इसलिए हजार भुजाएं चलती हैं, और चलाने वाला भी कोई है जरूर। बाबा पूरे वर्षी होते हैं, एडवांस में कोने किसी भी आत्मा सभी सूर्यवंशी कहलाती है, और त्रेता युग में चंद्रवंशी कहलाती है। तो एडवांस में सभी की रानी वो चंद्रवंशी है, और राजा सूर्यवंशी कहलाती है। पीछे का ज्ञान तो मुरली में बोला है, राधा चंद्रवंश से और कृष्ण सूर्यवंश से आता है। चंद्रमा से जो पैदाइश होती है उसको कहते हैं चंद्रवंश,
और सूर्य से जो पैदाइश होती है उसको कहते हैं सूर्यवंश। ब्राह्मणों की दुनिया में चंद्रमा कौन है? है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। शीतल पाठ बजाया, तलखीली वाणी कभी नहीं बोली। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रहबरी में आदि से अंत तक पलने वाली आत्माएं, वो चंद्रवंशी राधा और राधा की सहयोगिनी शक्तियां कही जाती है। औरों ने भी पालना ली, लेकिन आदि से अंत तक पैरेलल होकर के पाटनी बजाती, कहीं न कहीं क्रास भी करती है, ब्रह्मा का विरोध भी करती है, आज्ञाओं का उल्लंघन भी करती है। लेकिन जो पक्की चंद्रवंशी आत्माएं हैं, वो राधा जैसी आत्माएं। इसलिए बोला कि कृष्ण सूर्यवंश का ऊंच कुल का और राधा चंद्रवंशी की, तो दो कुल हो जाते हैं, दो वंश हो जाते हैं। अब दोनों मिलकर के एक कैसे हो जो एक राजधानी तैयार हो? इसलिए बड़ी भारी मुझ हो गई है। ये मुझान कैसे दूर हो? है लक्ष्मी है, जब चंद्रवंशी राधा आकर के सूर्यवंशी कृष्ण के साथ मिले, क्योंकि सूर्यवंशी कृष्ण तो ऊंच कुल का, वो तो चंद्रवंशियों में जा नहीं सके। इसलिए भारत की परंपरा में खास करके उच्च वर्ग में, ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में, कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के पास जाते हैं या वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष के पास जाते हैं? है? कन्या पक्ष वाले जो थोड़े नीचे कुल के माने जाते हैं, वो ऊंच कुल वालों के पास जाते हैं। तो ये परंपरा कहाँ से पड़ी? ब्राह्मणों के संगम युग से पड़ी, जबकि बाप भगवान इस सृष्टि पर आकर के चंद्रवंशी राधा और सूर्यवंशी कृष्ण का 21 जन्मों के लिए संयोग कराते हैं। ये संगम युग की परंपराएं भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर चलती चली आई है। और बाबा हाँ, एक मिनट, आपकी समझ में आ गई सूर्यवंश चंद्रवंशी वाली बात सत्युग त्रेता की? तो बाबा यहाँ भी कोई सूर्यवंशी हो तो चंद्रवंशी है? यहाँ भी जो आत्माएं हैं, हाँ अभी तो यहाँ भी अभी जो आत्माएं हैं तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो सारे हैं बीके में, मैंने अभी जो नई आत्माएं आ रही है, जो आ रही है वो वहाँ से निकाले हुए आ रहे हैं, धक्का दिए हुए आ रहे हैं। जिनको देश निकाला मिलता है वो कौरव होते हैं या पांडव होते हैं? जिनको देश निकाला मिलता है वो ही पंडा कुल के कहे जाते हैं। मैं मगर उनकी इच्छा है कि मैं रानी बनूंगी। कौन? क्यों? हाँ उन्हें रानी बनना है। रानी? हाँ रानी बनना है। रानी बनने वाली जो आत्माएं होती हैं, वो तो जन्म जन्मांतर की वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्हें ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं, अभी तक भी एडवांस में नहीं आई है। अरे ज्ञान जल की दरकार गंदे कपड़े को है या पवित्र कपड़े को है? है
जो गंदा कपड़ा होता है उसको ज्यादा जल की दरकार है, और भगवान बाप पवित्र आत्माओं को चुनता है पहले या पवित्र आत्माओं को पहले चुनता है, है? भगवान ये नहीं देखता कि ये पवित्र है ये अपवित्र है, भगवान पहली क्वालिटी देखता है, वो कौन सी क्वालिटी है, है? हाँ। दुनिया के पास ये क्वालिटी नहीं है, और बाप के तुम बच्चे हो जिनमें ये क्वालिटी है कि बाप को पहचान लेते हैं, चंद्रवंशी बाप को नहीं पहचानते, इस्लाम वंशी बाप को नहीं पहचानते, कोई भी वंश वाले बाप को नहीं पहचानते। जो 2036 तक पक्के सूर्यवंशी बनने वाले हैं वो ही बाप को पहचानते हैं। तो ये है बाप की माला, रुद्र माला, राजयोग सीखने वालों की माला। तो बाप से राजयोग सीखने वाला मणका बनना है, बाप राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, स्वाधीन बनाने आया है, अधिकारी बनाने आया है, या रानियों की तरह अधीन बनाने आया है? अधिकारी। आप क्या बनना चाहते हैं माता जी? है अधीन बनना चाहते हैं जन्म जन्मांतर, या अधिकारी बनना चाहते हैं? अधिकारी बनना चाहते हैं तो सही जगह आ गए। है बाबा जी, है मुरली में बाबा ने बोला है कि नवकुरी के ब्राह्मण होते हैं, और एडवांस में सूर्यवंशी जो ब्राह्मण आए हैं तो ये कौन सी कुड़ी के ब्राह्मण है? सब अभी सूर्यवंशी नहीं है, इनमें सब बीज तो हैं, जिनके लिए पक्का है कि पूरे जन्म लेने वाले, बीज कभी नष्ट नहीं होता। क्या बीज जो हैं ये 784 जन्म लेने वाले हैं, लेकिन इनमें छिलके अलग अलग प्रकार के चढ़े हुए हैं, कोई में सूर्यवंश का हल्का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई में चंद्रवंश का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई में इस्लाम वंश का छिलका चढ़ा हुआ है। इस्लाम वंश का छलका चढ़ा हुआ होगा, और काम विकार को कितना भी छोड़ना चाहे जल्दी छूटता ही नहीं, परेशान हैरान होते रहते हैं। कोई बौद्धि धर्म का छलका चढ़ा हुआ है, जैसे बौद्धि लोग मांगे बगैर रह नहीं सकते, बौद्धि भुक्ष होते हैं ना, भिक्षु भिक्षुणी, कोई पे किसी धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और भयंकर क्रोधी, बाहर से क्रोध नहीं दिखाई देगा लेकिन अंदर में ऐसा क्रोध होगा तो पकड़ लें तो भस्म ही कर दें, एटम बम से फोड़ फाड़ के सारी दुनिया ही खलास कर दें, इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि उस दुनिया में हम भी बैठे हैं। तो ये बीज तो हैं 84 जन्म लेने वाले एडवांस में, आज नहीं तो कल ये पक्के सूर्यवंशी बनेंगे तो जरूर, बाप इनको छोड़ेगा नहीं, लेकिन छिलका अलग अलग प्रकार का चढ़ा हुआ है देह बहन का, कोई छिलका उतर जाएगा, कोई का पहले उतरेगा कोई का बाद में उतरेगा। और माता जी खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, आवाज तो उतनी रहेगी चाहे खड़े हो जाए चाहे बैठ जाए। देख लिया है बारह गुरु बोलते ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे,
आठवां गुरु चौथा गुरु की अष्टमी रेखा बोलते तो क्या है? हैं गुरु ऐसे उसमें आठवां गुरु वगैरह चौथा गुरु अच्छा नहीं माना जाता बोलते शुभ मानते हो लोग चार आठ बारह चार आठ बारह चौथा गुरु आठवां गुरु जगह बोलते थे। अरे गुरु तो ढेर के ढेर होते हैं। हाँ ग्रह कहो गुरु कहो वो तो ढेर के ढेर है लेकिन सत्य गुरु तो एक ही है जिसका नाम पड़ता है सदगुरुवार। क्या वो सदगुरु है और बाकी सब गुरु की लिस्ट में है? मनुष्य गुरु है मनमत या मनुष्य मत पर चलने चलाने वाले हैं पूरा श्रीमत पर चलने वाले नहीं है। इसलिए ये कहना कि चौथा गुरु खराब है और आठवां गुरु खराब है बाकी सब अच्छे हैं ऐसा भक्ति मार्ग की कहने की बातें हैं। बाबा ने तो बता दिया एक सदगुरु की मत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से दुर्गति। बाबा बोलने से और होने से हमारे गांव में एक लड़के को आठवां गुरु बताया शादी नहीं करने के लिए बोला तभी नहीं तो उसने कर लिया तीसरे दिन ही वो मर गया। तो वो ही बात हो गई कि जैसे किसी गुरु ने कहा तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा और बच्चा पैदा हो गया तो गुरु जी भगवान की तरह पूजे जाने लगे। नहीं पैदा हुआ तो भाभी कुछ नहीं होता है। ग्रहों के आधार पर अगर दुनिया चलती होती तो फिर एक के एक सच्चे की क्या दरकार है? सत्य एक है और असत्य अनेक है। गॉड इज वन कहा जाता है गॉड इज वन और फिर कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। भगवान ही सच्चा है और एक सच्चा भगवान ही एक है। सिख लोग भी कहते हैं एक सदगुरु अकाल मूर्त बाकी सब सदगुरु भी नहीं है अकाल मूर्त भी नहीं है। सबको काल खाते हुए देखा जाता है और सबकी मूर्ति है। और बाबा जब शरीर छोड़ते हैं हिंदू धर्म में तो वो डेड बॉडी को जला के और राख नदी में डुबो देते हैं और बाद में वो पिंड तैयार करके उसके पूजा करके उसको भी डुबो देते हैं। इसका अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में जो भी होता है यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। हिंदुओं में जलाते हैं राख बन जाती है और दूसरे दूसरे धर्मों में जलाते नहीं है। जलाए भुना के राख नहीं करते हैं मिट्टी में दबा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और धर्म की जो आत्माएं हैं या और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं ब्राह्मण वो देह अभिमान की मिट्टी को पूरा नहीं त्याग पाते। जब भगवान बाप आते हैं तो कुछ न कुछ देह अभिमान की मिट्टी में उनकी आत्मा दबी रहती है इसलिए उनका यादगार बना हुआ है कि वो मिट्टी में दबाए जाते हैं उनके शरीर और हिंदुओं के जलाए जाते हैं। जलाने के बाद भी क्या करते हैं? इनकी आत्मा से पिंड छूटे है तो पिंड दान करते हैं बिल्कुल ही याद ना आए। उसको कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। एक बात ही याद आए और सबकी याद से हमारा पिंड छूटे।
सब ऊंचे पद बने। बाबा ये अलग अलग धर्म बनाए थे, किसने बनाए? आत्मा बनाई जाती है? नहीं है? नहीं, नहीं। आत्मा बनी बनाई है या बनाई जाती है? है? बनी बनाई है। आत्मा बनी बनाई है, अविनाशी है। और पांच तत्व तो बनाए जाते हैं या बने बनाए हैं? है? पांच तत्व भी बने बनाए हैं। तो ये जो स्वभाव संस्कार हैं, हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में भरे हुए अनेक जन्मों के, ये भी अविनाशी हैं। उन स्वभाव संस्कारों के आधार पर ही ये धर्म बने हैं। वो धर्म भी अविनाशी है, अपने अपने टाइम पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। द्वापर युग से अनेक धर्म प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उसका नाम ही है द्वापुर। एक पुर नहीं, एक धर्म एक राजा नहीं, दो पुर माने हर बात में द्वैत। और देवताएं होते हैं अद्वैत, न दूसरा धर्म है, न दूसरा राजा है, न दूसरी भाषा है, न दूसरा मत है, न दूसरा कुल है, इसलिए अद्वैत हैं देवताएं। अदिति से पैदा होते हैं अद्वैत, और दिति से पैदा होते हैं द्वैत दैत्य। क्या ये दैत्य और ये देव, इनकी पैदाइश कहाँ से होती है? द्विविचार से पैदा होते हैं दैत्य, और आप द्विविचार से पैदा होती हैं देवता अद्वैत। पैदा करने वाली माताओं का नाम रख दिया है जो मुरली में आज बोला। कोई सुपनखा पूतनाएं होती हैं जो विविचार का दरवाजे खोल करके बैठ जाती हैं। ये आंखें, ये बोल, ये कान, ये वाइब्रेशन, ये शरीर की इंद्रियां, ये सब दरवाजे हैं। जो विविचार का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं भगवान बाप के आने के बाद भी, उनसे पैदा होते हैं कौन? दैत्य। वो हो गई उनका नाम दिति। जैसे नंबरवार अर्जुन है, एक अर्जुन की बात नहीं, ऐसे ही नंबरवार दिति भी है, नंबरवार अदिति भी है। बाबा, जो संकल्प अपन करते हैं और किसी को टच होता है तो वो बोलते हैं कि नहीं आपने अभी आके आपसे आपको आप आ गए। तो जो संकल्प करते हैं वो श्रेष्ठ है कि जो कैच करती है उनका कैच करना श्रेष्ठ मार्ग है पावर? दिल से दिल को राहत होती है। जिसका दिल जिससे मिला हुआ होता है उसके दिल की बात दिलावर के पास पहुंच जाती है। अभी आगे चल करके बहुत देखेंगे, जैसे आदि में साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, कृष्ण बच्चे का साक्षात्कार होता था और पहुंच जाते थे सत्संग में, ऐसे ही अंत में बाप का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार नहीं होगा तो स्वप्न में आवेगा, बार बार संकल्प में आवेगा। अभी भी कोई कोई अनुभव करते हैं कि बाबा का जब आना होता है तो पहले से हमारे संकल्प चलने लग पड़ते, स्वप्न में आ जाता है। दोनों का भी पावर मनसा में बार बार आती है, दोनों का भी पावर एक जैसा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, पावर मानेंगे। इसीलिए तो कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, मन माने दिल। हाँ जी, वो संकल्पों की तीव्रता के ऊपर निर्भर है। कैच करती है वो पावरफुल, ये संकल्प करती है वो क्या पावरफुल? दोनों ही एक समान होंगे। जैसे
टेलीफोन होता था, टेलीफोन का वायर जुड़ेगा तो कनेक्शन होगा, जुड़ेगा नहीं तो कनेक्शन एक वायर इधर मुड़ जाए और एक बार आगे बढ़ता रहे, कनेक्शन तो होगा ही नहीं। दोनों का समान कनेक्शन चाहिए। और बाबा जी माउंट आबू इतना अच्छा क्यों लगता है जी? इतने भी क्यों तो माउंट आबू दिखता? जो जिस धर्म का होगा, जो मुरलीम बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा, उसकी बुद्धि भी उसके पीछे पीछे जाएगी, उसकी आंख भी बार बार वही देखेगी, उसके कान भी वही वही बातें सुनेंगे, दीदी ने क्या कहा, दादी ने क्या कहा। नहीं, वो संकल्प आते ही नहीं बाबा जी। हाँ, तो पैंतरा बदल दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, वो भगवान सुन रहा है ना, है भगवान है तो ये सत्य बापू तो सुन रहा है ना, जो दी थी बात। क्या जो बोल रही वो तो सुन रहा है? इतना ही दिखता कि बस पहाड़ी दिखती और मैं जाके वहाँ बैठ जाती, योग में बैठ जाती। कभी कभी राम बाबा भी दिखते हैं और पूरे वहाँ जो बच्चे हैं वो वहाँ बैठे हैं और बाबा की योग में सब जन बैठे। माना भविष्य की बातें दिखाई देती। बहुत अच्छी बात। जो और? बड़ा हाल है ना, वहाँ पूरा भर के है और जो बाबा है और सब योग में बैठे हैं। ठीक है, अव्यक्तवाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। क्या चाहे जमुना के कंठे पर हो और चाहे शांति धाम बनने वाले माउंट आबू में हो, जो कुछ भी तैयारी हो रही है किसके लिए हो रही है? हैं, तुम बच्चों के लिए हो रही है। और बाबा, औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को जो कैद किया था और वो पेटारे से जो पसार हो गए, वो बेहद में उसका अर्थ क्या था? ये सच्ची रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष में पत्ते भी हैं, कोई आत्माएं टहनियों का पार्ट बजाय रही है, कोई आत्माएं तनों का पार्ट बजाय रही है और कोई आत्मा जो वृक्ष का मूल तना होता है उसका पार्ट बजाय रही है, कोई आत्माएं फलों का पार्ट बजाती है और कोई आत्माएं फूलों का पार्ट बजाती है। तो वहां तो स्थूल फल दिखाए गए हैं, फलों का टोकरा उनके बीच में निकल गए पता ही नहीं चला, और यहाँ यहाँ ये चैतन्य फल हैं, उन चैतन्य फलों के बीच में उस शिव का पार्ट बजाने वाला निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा आसुरों को। वहाँ बाबा जी जल्दी योग लगता, ये क्या है बाबा? है वहाँ जो बाबा है, है? जो प्रजापिता बाबा है, कहाँ? वो माउंट आबू में। माउंट आबू में जो प्रजापिता है? नहीं नहीं, वहाँ अगर ऐसा योग लगाओ तो जल्दी योग लगता है, जैसे बाबा बैठे। अभी बताया ना, जिस धर्म का होगा वो। अभी बताया कि वहाँ जो बैठे हुए हैं वो वहाँ वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं और बाबा ने उनका रिजल्ट भी दे दिया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने जो सरेंडर होकर के माउंट आबू के बन चुके थे वो अंदर वाले हुए, उनके लिए बोला अंदर वाले रह जावेंगे असली ज्ञान का सार लेने से, भगवान की वाणी डायरेक्ट सुनने से रह जावेंगे। वो रह गए वहाँ, उनके वाइब्रेशन अभी चल रहे हैं। तो अभी भी जो दादियों के फॉलोअर्स हैं उनको दादियां ही अच्छी लगेंगी, माउंट आबू ही याद आवेगा
ये एडवांस पार्टी याद आएगी, उनको माउंट आबू याद आएगा, वहाँ जाने मात्र से उनकी स्टेज बढ़ जाएगी। इसलिए मुरली में बोला जो जिस धर्म का है वो उसी को मानेगा ना, उसी के पास रहने से उसको अच्छी स्थिति हो जाएगी। वहाँ याद करना अच्छा नहीं बाबा? बाबा ने बोला है जिसके साथ रहने से अच्छी अवस्था बनती हो वहीं रहना चाहिए। वहाँ तो बाबा ही दिखते ना। तो जाना चाहिए ना, यहाँ क्यों बैठे हैं? जहाँ रहने से, जिसके साथ रहने से अच्छी अवस्था बनती हो उनके साथ रहना चाहिए। महाकाल ये तो देवी के आगे पीछे जो भद्र दिखाए गए हैं, काल भद्र और वीर भद्र, उनकी बात है। वो रक्षक दिखाए गए हैं दो प्रकार के, कोई अलग अलग नहीं है। जो देवी के पुजारी हैं वो देवी की प्रशंसा कर देते हैं, जो विष्णु के पुजारी हैं वो विष्णु को शास्त्र में ऊंचा उठा दिया और शंकर को, ब्रह्मा को नीचे दिखाई दिया। जो ब्रह्मा के पुजारी हैं, ब्रह्म समाजी हैं, उन्होंने जो भी शास्त्र लिखे उसमें ब्रह्मा को ऊंचा दिखाई दिया। ऐसे ही देवी की पुजारियों ने देवी को ऊंचा दिखाई दिया और रामकृष्ण को उनका सेवक दिखाई दिया। उनका नाम पड़ा है वीरभद्र और कालभद्र। और बाबा मुरली में बोला है कि राम रावण बनता है, है? और कृष्ण कौन सा बनता है? ठीक है, जब रावण ही राम ही रावण बनता है, है? मगर लास्ट में वो स्वरूप निष्ठ और आत्मनिष्ठ होता है, तो रावण कैसे हो गया? दिखाई पड़ता है, बनता है, बनता है का मतलब है नहीं। जैसे अभी बोला बाप विदेशी बनकर आए हैं, तो विदेशी बनने में और विदेशी होने में अंतर है या नहीं है? वो विदेशी बन करके आए हैं, है नहीं विदेशी, पार्ट बजाए रहे हैं, देखने वालों को ऐसा दिखाई पड़ता है विदेशी है, स्वदेशी नहीं है, ऐसे ही आपकी बात है। अमृत वेला, अमृत वेला 3 बजे जब बाबा की याद में बैठते हैं और जब वाणी 5-6 बजे, अभी लोड शेडिंग होने की वजह से 5 से 6 के दरमियान वाणी सुनना पड़ता है, उस वक्त 1 घंटा जब याद होती है या 1 घंटा वाणी जब सुनते हैं, तो उस वक्त क्या 1 घंटा याद होने के बाद में ऑटोमेटिकली मतलब कोई सोल प्रविष्ट होकर के उस आत्मा को सुला जाती है या उसमें अलवेपलापन या सुस्ती आकर के वो सुती है वो आत्मा? या अरे सबकी एक जैसी स्थिति थोड़े ही है, जो आप बता रहे हैं वो आपकी स्थिति का अनुभव है, इसके विपरीत भी तो कोई ऐसे हैं जिनकी दूसरे प्रकार की स्थिति बनती है। 63 जन्म हुए हैं और 63 जन्मों में कोई का किस प्रकार की आत्माओं के साथ संबंध जुटा है और कोई का किस प्रकार की आत्माओं के साथ संबंध जुटा है। जिनका जिस प्रकार की आत्माओं के साथ संबंध जुटा है वैसा वैसा अनुभव करते रहते हैं। और बाबा ने बोला है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आगे चलकर एक हो जाएगा, इसका भेद में अर्थ क्या है? माने जो भी अभी भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के नजदीकी हैं, जो पहले भारत का ही खंड थे, वो सब मिलकर के अखंड भारत बन जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं, वो ओरिजिनल मुसलमान ज्यादा हैं या हिंदुओं में से कन्वर्ट होकर के फिर मुसलमान बने वो ज्यादा हैं? है? कन्वर्टेड हुए हैं, ओरिजिनल में वो क्या थे? हिंदू थे। तो जो हिंदू थे वो फिर हिंदू बन जाएंगे, हिंदू से देवता बन जाएंगे।
है कचरे का विचार दिया है कि हम अपने से कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे, तो वो संगम उसमें कौन सा दिन और कौन सा समय होगा? काय का मिसाल दिया है? कछुआ सफल हो जाएंगे है। जो अवतार दिखाए गए हैं भगवान के, उन अवतारों में एक कछुआ का अवतार भी दिखाया है कि भगवान ने कच्छ का अवतार लिया। कछुआ है तो जानवर, लेकिन जानवर होते हुए भी वो राजयोगियों की एक प्रैक्टिस में मजबूत होता है। कौन सी प्रैक्टिस? जब चाहे इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, चाहे कोई कितना भी वाइब्रेशन फेंके, इस तरह की विकारी बातें करे या छेड़छाड़ करे, वो चाहे तो अपनी इंद्रियों को बाहर न निकाले, और जब चाहे तब इंद्रियों को बाहर निकाले और काम ले। तो ऐसी प्रैक्टिस में जो आत्मा बहुत मजबूत हो गई, परंतु है विधर्मी आत्मा, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली है, माने राम कृष्ण जैसे मनुष्य का अवतार नहीं है, काय का अवतार है? जानवर का अवतार है। इसलिए मुरली में बोला है कच्छ मच्छ अवतार पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, और राम कृष्ण अवतार धरणी का आधार लेते हैं। धरणी कहा जाता है कन्या और माताओं को, माने राम कृष्ण के आधार, जो राम कृष्ण के जो अवतार हैं वो कन्याओं माताओं को आधार मान करके फिर ज्ञान में चलते हैं, कन्याओं माताओं को आगे करते हैं, और कच्छ मच्छ के अवतार कन्याओं माताओं को उतना आगे नहीं रखते, माना खुद आगे हो जाते हैं। जैसे अव्यक्त वाणी में बोला था पांडवों को शक्तियों का गार्ड बन करके रहना है। गार्ड क्या होता है? अंग रक्षक माने दास होता है। पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गाइड एक है। अगर यज्ञ में पांडव गाइड बन करके रहेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगा, वो ही गड़बड़ हो गया। बेसिक नॉलेज में शक्तियों के हाथ में सत्ता नहीं रही, मायापति कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, सीतापति कहा जाता है। तो माया भी उस पति की शक्ति है या नहीं है? शक्ति तो है ना। माया बेटी के रूप में बाप की शक्ति है, और बाप के डायरेक्शन को मानती भी है। बाप का डायरेक्शन है जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको माया बेटी तुम खूब फटकाओ। तो शक्ति तो है ना। तो जो शक्तियां हैं वो डायरेक्शन पर ज्यादा चलती है या पांडव ज्यादा डायरेक्शन पर चलते हैं? पांडवों के लिए तो खास बोल दिया है सात पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, वो अपनी आई पर चूकते नहीं है,
कन्याओं माताओं में से कोई कोई के लिए कहा है, सुपन खा पुतना सब नहीं, अभी भी एडवांस में, अभी तो प्रैक्टिकल में साकार है, बच्चों के सामने से गुप्त नहीं है। तो भी जहाँ मौका लगता है पुरुष आगे हो जाते हैं और कन्या माताएं पीछे कर दी जाती है, उससे रिजल्ट क्या होगा, यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए वो अच्छा रिजल्ट नहीं आवेगा, विपरीत रिजल्ट आवेगा। इसलिए बेसिक नॉलेज में सबसे अच्छा भाई कौन माना जाता था, बाबा की दृष्टि में भी कौन अच्छा था, जगदीश भाई। लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद संदेश में कहा कि मेरी जो जीवन की आस थी, लक्ष्य था कि मैं बाप को प्रत्यक्ष करके जाऊंगा, लेकिन वो कार्य मैं नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सके, बाप की जो मुख्य आज्ञा है कि पांडवों को गार्ड बन करके रहना है, रक्षक बन करके रहना है, वो काम नहीं किया और ही कन्या माताओं के लीडर बन गए, गाइडेंस देने वाले बन गए। जब एडवांस पार्टी निकली तो एडवांस पार्टी की बातों का जवाब देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए और उनके उल्टे उल्टे जवाब देना सिखा दिए। तो गाइड हुए या गार्ड हुए है, गाइड हो गए। वो तो मुख्य पांडव थे तो दूसरों का क्या हाल होगा, दूसरे तो और उससे भी ज्यादा बदतर पार्ट बजाने वाले होंगे। और बाबा जो है लक्ष्य को पूरा करने वाली है तो वास्तुदेव में नहीं है, है? लक्ष्मी लक्ष्य को पूरा करने वाली है। लक्ष्मी जो है वो नारी के लक्ष्य को पूरा करती है या नर के लक्ष्य को पूरा करती है, है? वो नारी के लक्ष्य को लक्ष्मी पूरा करती है, नर के लक्ष्य को थोड़ा ही पूरा करेगी। नर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन चाहिए, नर चाहिए नारी चाहिए, नर ही चाहिए। तो ये बात नहीं जमती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नारी से लक्ष्मी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य पहले नर से नारायण बनना है या नारी से लक्ष्मी बनना, पहले नर से नारायण बनना। और बाबा जब हम बच्चों को बोलते जो काल चलता है, जो बाबा के ज्ञान में नहीं चलते बोलते हैं, बीके में रेगुलर क्लास करते तो अगर वो नहीं जाते हैं तो उनको बोलते और बेसिक वालों की बात बाद में करें, पहले स्वचिंतन फिर परचिंतन। वहाँ क्या होता है वो तो बता दिए ना, भक्ति मार्ग चल रहा है तो भक्ति मार्ग तो मुर्दाबाद होना है, ज्ञान मार्ग की बातों को जिंदाबाद करो। और जगदम्बा के द्वारा जो महाकाली का पाठ भेजने वाला है तो वो महाकाली का पाठ भेजना शुरू हो गया, झाड़ू लगना शुरू हो गया। कई साल पहले बोला था प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी है, वो तो कई साल पहले की बात हो गई। अभी इसी साल में
प्रकृति एक शक्ति है, वो भी चैतन्य में होगी, और माया दूसरी शक्ति है, वो भी चैतन्य रूप में है। माया के लिए बोला कि माया अब थक चुकी है, हिम्मत हार चुकी है। उन्हीं दिनों कुमार का दादी हॉस्पिटलों में कामा में जाकर के गिर जाती थी। एक हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा हॉस्पिटल, बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ने के बाद वाणी, अव्यक्त वाणी चली, माया ने प्रकृति से हाथ मिलाई लिया। माया कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संघात को, और प्रकृति कहा जाता है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के संघात को। पांच विकारों ने एडवांस पार्टी का इतने आक्रमण होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आखिर माया थक गई, स्थूल चोला भी छूटा। स्थूल चोला छूटने के बाद ज्यादा पावरफुल हो जाता है या कम पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल हो गई, और उतने पर भी देखा कि ये एडवांस पार्टी वाली आत्माएं तो साकारी से आकारी बैठे बैठे बन जाती है, इनमें ज्यादा ताकत है। साकार शरीर होते हुए भी आकारी बन जाती है, निराकारी भी बन जाती है। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने प्रकृति से भी हाथ मिला लिया। क्या? जो पांच तत्वों का संघात है, जिसका मूल मुख्य रूप है पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? माता, धरणी माता, उससे हाथ मिलाई लिया। इसका मतलब अब माया की ताकत कई गुनी बढ़ गई या घट गई? और ज्यादा बढ़ गई। तो अभी ज्यादा कड़ी परीक्षाएं लेगी। कैसी परीक्षा? कैसी परीक्षा? अभी आगे चल के देखना। जो बोला है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या? अब वो चाहे हद का ज्ञान सरोवर हो ईंटों वाला, और फिर असली ज्ञान सरोवर भी तो है कि नहीं है? वो एडवांस पार्टी में है, बीके में, एडवांस पार्टी में। ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी विकराल स्थिति परिस्थिति गति हो जाएगी। अच्छा से पहले है? अच्छा से पहले। अरे माला बनने देंगे कि नहीं? किस रूप में होगी बाबा? हाँ, किस रूप में होगी? प्रश्न तो बताई दिया, नश्चो मोहा स्मृति लब्धा, माने बाप भी आड़े आएगा। हाँ जी, पत्नी भी आड़े आएगी, बच्चा भी आड़े आएगा, गहरे से गहरे जो संबंधी होंगे वो भी आड़े आ जाएंगे पुरुषार्थ के रास्ते में। बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, पति पति नहीं। परीक्षाओं में से पास होंगे या फेल होंगे?
है तो नच्चो मोहा होंगे तब पास होंगे या मेरा 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 तब पास होंगे। ओम शांति।